नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पटना एयरपोर्ट के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाले कोई भी एविएशन रिलेटेड अपडेट आप मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और अन्य सहायक इकाइयों के लिए निर्माण कार्य बुनियादी ढांचा परियोजना में टेक ऑफ में देरी करने के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है। बता दें, नए टर्मिनल के लिए केंद्र ने भारतीय विमान प्राधिकरण को करीब 1216 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पटना हवाई अड्डे प्राधिकरणों को 2 साल के भीतर पूरा करने की उम्मीद है। 2 मंजिला संरचना को अक्टूबर 2022 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। टर्मिनल के भूतल पर पहली मंजिल पर आगमन लाउंज और भूतल पर आगमन क्षेत्र होगा। नए टर्मिनल के चालू होने के बाद मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग को चालू रखने की जरूरत है, ऐसा महाप्रबंधक ने बताया। बता दें कि उन्होंने कहा कि उपयोगिता सेवाओं को स्थानांतरित करना नए टर्मिनल के लिए रास्ता बनाने के लिए मौजूदा संरचनाओं को समाप्त करना है, वहीं यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। बता दें, यह सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित नहीं है। मौजूदा इमारत का विस्तार प्रगति पर, जो टर्मिनल बिल्डिंग के पूर्वी हिस्से में है, करीब 1850 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और जो कि 1 महीने के भीतर होने की संभावना है, ऐसा उन्होंने बताया। बता रहे, टर्मिनल के विस्तारित क्षेत्र में सुरक्षा पकड़, चेक इन काउंटर, एक्सरे बैगेज मशीन, पुरुष और महिला जो बूथ, शॉपिंग आउटलेट होते हैं, रिटेल सेगमेंट और लाउंज सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं 45% पूरा काम किया जा चुका है, ऐसा विजयन ने कहा, और ये सहायक इमारतें मार्च 2021 तक चालू हो जाएंगी। वहीं G+5 मल्टी लेवल कार पार्किंग की 2 मंजिला इमारत पूरी हो गई है। अब निर्माण कंपनी तीसरी मंजिल के लिए स्लैब ढलाई का काम कर रही है। हवाई अड्डे का आवासीय क्षेत्र, यहां 108 विमान कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए 6 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं विजयन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि पर आने वाले 3 हैंगरों में से पूरा होने वाला था, यह 1 सप्ताह के भीतर तैयार हो जाएगा। फ्लाइंग क्लब, नागरिक उड़ान मंत्रालय, VIP रूम और गेस्ट हाउस के कुल 3 हैंगर और कार्यालय भी बनाए जाएंगे। नई दिल्ली में IMD के मुख्य निर्माण का कार्य शुरू होने के बाद IMD भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये है कुछ अपडेट्स पटना नए एयरपोर्ट से रिलेटेड। कैसे लगे आपको, कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेशक दे सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त विनायक, फिर मिलने की आशा करती हूँ। अभी के लिए विदा लेना चाहूँगा, तब तक के लिए देखते रहे इंडियन गुरु।